सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन बेटा। आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे सिंपल माइक्रोस्कोप के, कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे एक छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाता है, कैसे वो मैग्निफाई करता है इमेज को, और फिर कैसे हमारी आँख जो है उसको आराम से देख पाती है। तो उसकी मैग्नीफिकेशन की फार्मूला भी मैंने डिराइव की थी, रे डायग्राम सारी दिखाई थी और डिफरेंट केसेस बनाए थे, और बताया था आपको कि जब भी हम मैग्नीफिकेशन की फार्मूला डिराइव करते हैं तो एक तो हम नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए करते हैं, मतलब जब फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बन जाएगी, जब लीस्ट स्ट्रेन होगा आँख पे। दूसरी मैग्नीफिकेशन हम उस एडजस्टमेंट के लिए करते हैं जब आपकी फाइनल इमेज बनेगी नियर पॉइंट पे, मतलब लीस्ट डिस्टेंस पे, उस टाइम पे आपकी आँख पे जो सिट्रेन है बेटा वो मैक्सिमम होता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है बेटा। तो देखो कुछ बेसिक सी चीजें बता देता हूँ इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। पहले वैसे ये भी एक माइक्रोस्कोप है, पर दिस इज एन एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, और इस एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। काम तो इसका भी वही है, छोटी छोटी चीज़ें जो है जो हम डायरेक्टली आंख से नहीं देख सकते, नेकड आई से जो नहीं देख सकते, इस इंस्ट्रूमेंट का काम है, इस सिंपल माइक इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम है उन छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बना के देना, ताकि हम उनको फिर आराम से देख सकें। सो द प्राइम फंक्शन ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज टू मैग्निफाई दोज माइन्यूट एंड लार्जड ऑब्जेक्ट्स विच कैनॉट बी सीन डायरेक्टली बाय आवर नेकड आई। सो ये उनको मैग्नीफाई करता है, इट फॉर्म्स अ बिगर इमेज, इट फॉर्म्स द बिगर इमेज ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स सो दैट वी कैन क्लियरली सी देम लेटर ऑन, ठीक है। सो सिंपली दिस इज सिंपल दिस इज योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है कि जो मैग्नीफिकेशन है सिंपल माइक्रोस्कोप की, दैट इज लिमिटेड। वी कैनॉट मैग्नीफाई ए सिंपल ऑब्जेक्ट, ए माइन्यूट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सर्टन मैग्नीफिकेशन। सिंपल माइक्रोस्कोप से आप एक छोटे ऑब्जेक्ट को ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते, 2 times, 3 times एट द मैक्सिमम 4 times आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, उसको साइज को 4 times मैग्नीफाई कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर करोगे ना आप बेटा, तो जो इमेज है ना वो क्लियरली साफ साफ दिखाई नहीं देती, फिर उसमें ब्लर आ जाता है, एब्रेशंस आ जाती है, डिफरेंट ऑप्टिकल डिफेक्ट्स उसमें क्रिएट हो जाते हैं। सो सिंपल माइक्रोस्कोप से एडवाइज्ड है कि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन गो अप टू 2 times, 3 times और इवन अप टू 4 times मैग्नीफिकेशन, बट नॉट बियॉन्ड दैट। सो सिंपल माइक्रोस्कोप हैज़ अ लिमिटेशन, यू कैन नॉट एनलार्ज ए गिवन माइन्यूट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट। सो उसके लिए अगर आपको ज़्यादा मैग्नीफाई करना है किसी छोटे ऑब्जेक्ट को, दो यू हैव वन मोर इम्पॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इससे आप अप टू 10 times भी मैग्नीफाई कर सकते हो। इवन सम कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आर सो डिजाइन दैट यू कैन इवन गो अप टू 15 or 20 times मैग्नीफिकेशन। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ बेटर वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप, इट इज अ बेटर वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप और अपडेटेड वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, इसकी जो ये जो डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है, इसमें बेसिकली 2 lenses होते हैं। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें कि क्या क्या चीजें होती है, जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस जिसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, वही एक्ट करता है सिंपल माइक्रोस्कोप। और ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ 2 lenses। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेटा 2 lenses होते हैं, बेसिकली एक ट्यूब जैसा होता है, और उस ट्यूब के एक एंड पे एक लेंस होता है और दूसरे साइड से दूसरा लेंस होता है। एक लेंस को हम बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और दूसरे लेंस को हम कहते हैं आईपीस। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये एक ट्यूब है, दिस इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके इस साइड में एक लेंस फिट होता है यहाँ से, और इस साइड से दूसरा लेंस फिट होता है। जब हम देखते हैं ना, तो ऐसे देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो मेरे हाथ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको मैं देखूंगा ऐसे, इस ट्यूब से देखूंगा, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक लेंस इस साइड से होता है और एक लेंस इस साइड से होता है।
ये जो लेंस है ना, जो आपकी आंख की ओर होगा, आपकी आंख के साइड में होगा, ये साइड में होगा, ये वाला लेंस, इसको आप आई पीस कहते हो, आई पीस। और ये जो यहां से लेंस होता है ना, ये मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट को फेस करता है, ये वाला लेंस, इसके साइड में ऑब्जेक्ट है, इस वाले लेंस को आप ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हो। सो देयर आर बेसिकली टू लेंसेज फिटेड इनसाइड ए ट्यूब। द लेंस फेसिंग द आई इज कॉल्ड एज आई पीस, एंड द लेंस फेसिंग द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की साइड में हो, इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड टिपिकल पॉइंट है, वो है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना बेटा, इसका जो साइज है, इसका जो अपर्चर है या इसकी जो फोकल लेंथ है, ये छोटी होती है। इट इज रिलेटिवली स्मॉलर कंपेयर टू द साइज, अपर्चर एंड दिस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। या सिंपली आप याद रखो, आई पी जो है ना, आई पीस, ये बड़ा लेंस होता है, और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये छोटा लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी छोटी होती है, इसका साइज अपर्चर भी छोटा होता है। ये जो आई पीस है, इट इज रिलेटिवली कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव, इसका साइज और फोकल लेंथ बड़ी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा, क्योंकि हम खाली यही दो पार्ट्स बेटा डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमको जो ऑप्टिकल, हमको जो डायग्राम बनानी है, रे डायग्राम, या हमारी जो फिजिक्स अभी है, दैट इज कंसर्न विद द इमेज फॉर्मेशन। इसलिए हम माइक्रोस्कोप में खाली लेंजेस की बात करते हैं, जो हमारी इमेज फॉर्मेशन में काम आएगा, बाकी पार्ट्स हम डिस्कस नहीं करते, बिकॉज फॉर द पर्पज ऑफ इमेज फॉर्मेशन वी सिंपली नीड ए लेंस। इसलिए मैंने आपको कहा कि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स लेंसेज होते हैं, दोनों कन्वेक्स लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्ट के साइड में फिट होता है और एक आई की साइड में फिट होता है, और ये बेसिकली एक ट्यूब होता है। और ये जो इनके बीच में डिस्टेंस होती है ना, एक लेंस के बीच में, मान लो यहाँ पे एक लेंस है और यहाँ पे दूसरा लेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहते हैं। और ये जो लेंथ है ना, ये हम एडजस्ट कर सकते हैं, वी कैन चेंज दिस। इसमें कुछ स्क्रूज लगे होते हैं पैनल पे, उन स्क्रूज के जरिए हम इन इन लेंसेज को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। मान लो ये लेंस यहाँ पे, उसको थोड़ा आगे ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, इसी तरह इस लेंस को भी आगे पीछे, मतलब फोकस जैसे करते हैं ना, आपने देखा होगा DSLR कैमराज में, वो फोकसिंग के लिए वो स्क्रूज होते हैं, हम ऐसे उसको घुमाते हैं ताकि फोकस हो जाए, अच्छे से ऑब्जेक्ट दिखे। इसी तरह इस माइक्रोस्कोप में भी स्क्रूज होते हैं, और उन स्क्रूज से हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाली डिस्टेंस है ना दो लेंसेज में, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा, एक जनरल डायग्राम बनाऊंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो मैंने आपको कहा बेटा, देयर आर टू लेंसेज, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, तो लेट अस सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस। हाँ, तो मैं एक जनरल प्रिंसिपल एक्सिस, जनरल एक्सिस ड्रा करूंगा, क्योंकि मैंने कहा ये दोनों जो लेंसेज है ना, कोएक्सियल होते हैं। कोएक्सियल का मतलब है कि दे हैव द सेम प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये दोनों बेटा एक ही ट्यूब में फिट होते हैं, तो दोनों की जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो सेम होती है। और ये जो लेंस है, ये थोड़ा बड़ा होगा इससे, इट इज अ बिगर लेंस, इसकी फोकल लेंथ भी बड़ी, इसकी फोकल लेंथ भी, इसकी, लेट अस सपोज दिस इज ओ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज एन आई पीस, दिस इज एन आई पीस। ये जो लेंस है ना बेटा, इसका साइज भी छोटा होता है और इसकी फोकल लेंथ भी छोटी होती है। इसका साइज भी बड़ा, इसका जो है फोकल लेंथ भी वो बड़ी होती है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो आपको ऑब्जेक्ट जो है इस साइड रखना पड़ेगा, यहां से ऑब्जेक्ट, और आपकी जो आंख है जो देखेगी वो इस साइड होगी, यहां से आप देखेंगे, इन दो लेंसेज के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को देखते हो, यहां से ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। यहां से आप देखते हैं, यहां से आपकी आंख है, इसलिए इसको आई पीस कहते हैं। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले यहां पे ऑब्जेक्ट होगा, ये लेंस उस ऑब्जेक्ट की बनाता है इमेज, पर ये उसकी रियल इमेज बनाता है। देखो, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप रखेंगे, पर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको आप इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में नहीं रखेंगे। अगर आपने इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा, तो ये इसी साइड इमेज बनाएगा, नहीं,
यहाँ ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस साइड नहीं उस साइड बनाना चाहिए। द फर्स्ट इमेज शुड बी फॉरवर्ड बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस, बिटवीन दिस लेंस एंड दिस, मतलब बिटवीन दिस स्पेस। तो कॉन्सेप्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट टू लेंस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट टू लेंस पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा और वो इमेज इस साइड बनती है, दैट इज अ रियल इमेज एंड इनवर्टेड इमेज। और ये जो इमेज यहाँ पे बनेगी, ये इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट टू लेंस की इमेज यहाँ पे बनेगी इनवर्टेड, बट दिस इमेज शुड लाई, ये इमेज बननी चाहिए बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस एंड इट इज फोकस। इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा और इसका जो फोकल पॉइंट होगा, उन दो पॉइंट्स के बीच में ये इमेज बननी चाहिए। ये इमेज किसने बनाई? इस लेंस ने। इसकी इमेज इन दो पॉइंट्स के बीच में बननी चाहिए यहाँ पे कहीं पे, ताकि फिर ये जो लेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है, ये इमेज इस लेंस के लिए एक्ट करेगी एज एन ऑब्जेक्ट, और फिर ये लेंस इसकी इमेज बनाएगा इसी साइड में। क्योंकि अगर ये इमेज इस ऑप्टिकल सेंटर और इस फोकस के बीच में बनेगी, फिर ये लेंस जो है ये इसकी इमेज इसी साइड बनाएगा ना, तो फिर वो जो इमेज है इसी साइड बनेगी, फिर वही फाइनल इमेज आंख के लिए, आपकी आई के लिए एक्ट करती है एज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? फिर से देखो बेटा, तो चलो दिखाता हूं मैं। एक्चुअली दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये लेंस है, तो ये लेंस जो है इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा इस साइड। सो दिस ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ दिस लेंस। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा, तो ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसी साइड बनाएगा, विच इज अनडिजायरेबल। हम चाहते हैं कि इसकी इमेज इस साइड बन जाए, पर इसकी इमेज जो है ना वो बननी चाहिए इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में, ताकि फिर ये जो लेंस है ना, फिर उस इमेज की एक और इमेज बनाए इसी साइड, फाइनल इमेज इसी साइड पे बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो आपकी आंख है, ठीक है। चलो इसकी इमेज बनाते हैं पहले। सो लेट अस ड्रा दी रे डायग्राम। तो ये पहले एक रे ऑफ लाइट, दिस इज योअर वन रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो दूसरी रे ऑफ लाइट हम बेटा यूजुअली ऐसे डालते हैं पैरेलल, तो यहां से ये बेंड होगी। जब ये बेंड होगी तो इस रे को, ये वाली रे अब जब बेंड होगी, ये कॉन्वेक्स लेंस इस रे को बेंड करेगा, तो जहां पे ये इस पॉइंट के साथ मीट करेगी वहीं पे इमेज बनेगी, ठीक है। तो हमको बेटा, हम इसको मीट करवाएंगे ऐसे ऐसे बेंड होगी, तो यहाँ पे आपकी बनी इमेज, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इमेज, आराम से देखो, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपका ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की हाइट आप मान लो h, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बनेगी, तो फिर आपकी इमेज ऐसे, ये आपकी इमेज बन गई, ठीक है बेटा। ये तो आपने लेंस थ्योरी में पढ़ा है ना, लेंसेज में मैंने डिटेल में ये पढ़ा है आपको, सो इसलिए मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। डायरेक्टली क्या, फिर भी आपको बता रहा हूँ। लेट अस सपोज इसकी हाइट है h डैश। अगर इस लेंस की मैग्निफिकेशन आपको निकालनी होगी, इस लेंस की मैग्निफिकेशन, वो होगा ना बराबर बेटा h डैश बाय h, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और लेंस की मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है? v बाय u। शाबाश। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्चुअली, लेट अस राइट दैट थिंग। ये जो यहां से डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, और फिर यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस, ये देखो बेटा, यहां से लेके यहां तक जो है ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो मैं इसका नाम रखूंगा यू ओ। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ओ इज ऑब्जेक्टिव लेंस। इसी तरह बेटा यहां से यहां तक तो इमेज की डिस्टेंस है, तो उसका नाम रखूंगा मैं वी ओ। वी क्यों? वी इज इमेज डिस्टेंस एंड ओ इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो है ये इमेज, ये इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनी है ना, तो ये लेंस अब एक्ट करेगा एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि
कल मैंने आपको पढ़ाया कि प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है, और जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस उस ऑब्जेक्ट की एक मैग्निफाइड इमेज उसी साइड में बनाता है, फिर वही इमेज आंख के लिए एक्ट करती है एज ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब अगर आप इस लेंस को नेगलेक्ट करेंगे, ये लेंस खाली लेंगे, इसके लिए ये इमेज है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो हम कह सकते हैं ना दिस एक्ट्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर दिस इमेज। ठीक है, तो बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन दो बार होती है, इसलिए बड़ी इमेज बनती है लास्ट में। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है तो एक इमेज बनाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहले यहाँ एक इमेज बनेगी, फिर ये इस इमेज की एक और इमेज बनाएगा, तो मैग्निफिकेशन दो बार होगी, और मैग्निफिकेशन जब दो बार हुई होगी तो आपकी जो फाइनल इमेज है वो बड़ी बनेगी। अब देखो इसकी इमेज कैसे बनाएंगे हम, इसकी इमेज, अब ये लेंस है ना, दिस इज योर लेंस एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो एक रे ऑफ लाइट अब यहां से पास होगी, तो देखो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं। हाँ, ये मान लो आपका आपकी इमेज भी बननी चाहिए अच्छे से, तो थोड़ा सा मैं इसको लेंस को पीछे ले जाता हूँ, थोड़ा सा इस लेंस को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे ताकि आपकी इमेज अच्छे से दिखे। ये लेंस है, ठीक है, यहां से यहां तक जो है इसकी इमेज फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको फिर अब करता हूं, अब आराम से देखो, थोड़ा सा लेंस बड़ा बनाएंगे, ये आपका लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, याद रखो ये जो इमेज बनी है ना ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस में बननी चाहिए बीच में, ताकि इसकी इमेज उसी साइड बने। फिर अब देखो यहां से आएगी इसके टॉप से एक रे ऑफ लाइट, ये एक रे ऑफ लाइट ऐसे, ठीक, दिस इज योर वन रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट, ये दूसरी रे ऑफ लाइट। बेटा ये जो लेंस है ना इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसी साइड बना रहा हूँ, ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, ये बेंड होगा, लेट अस सपोज कि ये बेंड ऐसे होगा, ये एक रे ऑफ लाइट यहां से, शाबाश, अब ये रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट इस साइड तो मीट नहीं करेंगी, क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है ना इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में, तो ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज उसी साइड पे बनाना चाहिए, सो ये बराबरी इश्यूज बनानी है ताकि इमेज बनी हो रही, ताकि कोई लेंस एगले ड्रॉप करो ना, अगर तो फिक्र है इस दौरान फिक्र उसे मिटाओ, इसको बैकवर्ड ट्रेस करेंगे हम, बेटा ऐसे बराबरी है आसान, रे डायग्राम के बराबर दिया, फिर इसके बाद इसको बैकवर्ड ट्रेस करेंगे, ठीक है, शुक्र जाए तो बात इसको राइली, एक है बेटा ये आपकी इमेज। अब इस इमेज को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसे फाइनल इमेज। अब देखो बेटा फाइनल इमेज कैसे बड़ी बनी आपकी, ठीक, नाउ दिस इज द कंप्लीट रे डायग्राम, ये आपकी बेटा रे डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, आराम से देखो, और ये जो फाइनल इमेज आपकी बनी ना इसका इस साइज जो हम रखेंगे H डबल डैश रखेंगे। देखो बेटा पहले ये लेंस था, ये आपका आईपीस है, दिस इज ई फॉर आईपीस। देखो बेटा ये जो पहले लेंस आपने लिया ऑब्जेक्टिव लेंस,
दिखाई दे रहा आपको? हाँ बेटा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस था, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट था, और इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस साइड बना दी, और ये जो इमेज पहले बनी ना, दिस इज अ रियल इन्वर्टेड इमेज, और इसीलिए मैंने लिखा यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, पर मैंने ओ इसलिए लिखा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मैंने वी लिखा इमेज डिस्टेंस, क्योंकि ये इसकी इमेज है, सो दिस इज इमेज डिस्टेंस। अब बेटा ये जो है ना, ये इमेज, ये इसके लिए एक्ट करेगी ऑब्जेक्ट, अगर ये इसके लिए एक्ट करेगी ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख सकता हूँ ना यहाँ से, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओ सॉरी, यहां से यहां तक इस लेंस, ये जो है ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो यहां से यहां तक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पर किस लेंस के लिए? आई पीस, तो मैं लिखूंगा यू ई, ठीक है, आराम से देखो, यू सी इट, ठीक है बेटा। और इसकी इमेज कहां बनी है? इसकी इमेज यहां से यहां, यहां से यहां जो है, चलो नीचे से लिखता हूं इसको मैं, ये यही है ना बेटा, ये इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज डिस्टेंस तो यही है, यहां से लेके यहां तक, दिस इज वी बट ई, दिस इज इमेज डिस्टेंस फॉर बट फॉर दिस आई बेस। रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको आराम से देखो, बाकी मैग्निफिकेशन तो इजी है बेटा। ये इस लेंस से लेके इस लेंस तक जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, यहां से लेके यहां पे बेटा जो है, दिस इज कॉल्ड एल, एल इज लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब, इसकी इक्वेशन में यहीं पे लिखूंगा, जरा किसके बराबर है ये एल, ये जो एल है लेंथ ऑफ ट्यूब, ये इस एल के बदले मैं लिख सकता हूं ना, दिस इज इक्वल टू फ्रॉम दिस डिस्टेंस टू दिस प्लस दिस डिस्टेंस, दैट इज वी ओ प्लस यू ई, दैट इज वी ओ प्लस यू, ठीक है, ये लेंथ है ट्यूब, यही लेंथ हम वैरी कर सकते हैं, ये ट्यूब स्क्रू से हम इस ऑब्जेक्ट टू लेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, इस लेंस को भी आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसे ये लेंथ जो है वैरी होती है, ठीक है बेटा। अब देखो, दिस इज द रे डायग्राम ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बनाई, फिर इस लेंस ने इस इमेज की जो दूसरी इमेज है वो यहां से बनाई, पर इसकी इमेज इसी साइड बनाना पॉसिबल तब है जब ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में कहीं पे होगी, ठीक है। और जब हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन के दो केसेस है, मैंने कहा ना बेटा, फाइनल इमेज जो है यही डिसाइड करती है, फाइनल इमेज आपकी कहां पे बनेगी, फाइनल इमेज अगर आपकी बनती है ना, फाइनल इमेज अगर आपकी बनती है नियर पॉइंट, आपकी आंख जो है ना वो इस साइड होती है, दिस इज योर आई, दिस इज योर आई, ठीक है, और जो आप डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो आप इस लेंस से मेजर करते हैं, इस लेंस से मेजर करो या इस आंख से मेजर करो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, और जितना एंगल आपके इस लेंस पे बनेगा ना, कोई भी एंगल, उतना ही एंगल हम लेते हैं आंख पे, वी ऑल्सो टेक दैट एंगल फॉर्मड एट द आई, दैट इज एंगल सबटेंडेड ऑन दिस लेंस ऑन द आई इज सेम इज इक्वल, फाइन। अब देखो बेटा, जब मैग्निफिकेशन डिस्कस करेंगे, मैंने कहा कि फाइनल इमेज जो है ये कहां पे बन सकती है, दिस फाइनल इमेज कैन बी फॉर्मड एनी वायर, और सबसे हाईएस्ट मैग्निफिकेशन तब होगी, सबसे बड़ी ये फाइनल इमेज, क्योंकि यही आंख को यही दिखाई देती है फाइनल इमेज, और ये सबसे बड़ी तब दिखाई देगी इस आंख को जब ये नियर पॉइंट पे बनेगी, ठीक है, तब जाके जो आपकी मैग्निफिकेशन है वो मैक्सिमम होगी, और सबसे छोटी इमेज, सबसे ये जो इमेज है ना, ये सबसे छोटी कब दिखाई देगी इस आंख को, सबसे कम साइज कब दिखेगा इस आंख को, तब जब ये प्लेस होगी एट द इन्फिनिटी, ठीक है, तो तब जाके आपकी मैग्निफिकेशन भी होगी मिनिमम, ठीक है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसी के केसेस, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एंड मिनिमम, पहले मैं एक जनरल फॉर्मूला आपको डिराइव करके देता हूँ मैग्निफिकेशन की। और मुझे बताओ बेटा, मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद है मैंने कहा था कल भी, दैट मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ लेंसेज, इन टर्म्स ऑफ इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू
एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई डिवाइडेड बाय द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द नेकेड आई बट व्हेन प्लेस्ड एट द नियर पॉइंट. सो दिस इज मैक्सिमम. ये अगर याद होगा मैंने कल जो आपको पढ़ाया था ना सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें भी मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन डिराइव करने के लिए यही फॉर्मूला यूज की थी. और व्हाट इज थीटा डैश? थीटा डैश जो है दिस इज द एंगल जो फाइनल इमेज बनाएगी आंख पे. फाइनल इमेज, ये जो फाइनल इमेज है ये कितना एंगल आपकी आंख पे बनाएगी, या आपकी आंख पे या इस लेंस पे कितना एंगल बनाएगी. देखो ये रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है, इसका मतलब ये जो है ना दिस इज थीटा डैश. ये आपका थीटा डैश है क्योंकि यही एंगल जो है फाइनल इमेज जो है ना यहाँ पे, ये फाइनल इमेज, इसने यही एंगल बनाया है ना इस लेंस पे. सो दिस इज थीटा डैश. अगर इस थीटा डैश का वैल्यू आपको चाहिए ना, दिस थीटा डैश, इसको इस छोटे ट्राइंगल से निकालेंगे हम. दिस थीटा डैश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. हाँ, ये परपेंडिकुलर एच डैश और बेस यहाँ से यहाँ तक यूई. सो दिस थीटा डैश विल बी इक्वल टू एच डैश बाई यूई. ठीक है. एंड व्हाट इज दिस थीटा? थीटा मैक्सिमम. थीटा मैक्सिमम कल आपको बताया, यहाँ पे बताता हूँ. ये जो आपका मान लो नेकेड आई है, तो आप ये आपका नियर पॉइंट या आपका फार पॉइंट, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखोगे नियर पॉइंट पे और यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है एच, तो ये जो आपका एंगल बनाता है ना आपकी आंख पे वो सबसे बड़ा होता है, तब जाके दिस इज थीटा मैक्सिमम. और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है वो उस केस में होती है ना इक्वल टू लीस्ट डिस्टेंस. और ये जो थीटा मैक्सिमम है आपका, ये थीटा मैक्सिमम किसके बराबर आपका आएगा? एच बाई डी. वॉट इज बेटा दिस एच? एच इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपने यहाँ पे भी ली है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड वॉट इज दी? डी इज द लीस्ट डिस्टेंस. लीस्ट डिस्टेंस या आप इसको 25 सेंटीमीटर भी लेते हो. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ पे, वॉट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इन केस ऑफ एनी माइक्रोस्कोप? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई और ऑन द आई पीस एंड एट द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऑन द आई बट व्हेन प्लेस्ड एट द नियर पॉइंट. ये मैक्सिमम एंगल होता है एंड दिस इज एनी एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय द इमेज. ठीक है. अब इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे. मुझे बताओ बेटा, सो विच इंप्लाइज दिस एम इज इक्वल टू थीटा डैश. थीटा डैश का वैल्यू मैंने इस ट्राइंगल से पता है आपको निकालो. सो दिस इज एच डैश परपेंडिकुलर बाई बेस, एच डैश डिवाइड बाई यू ई. सो दैट इज एच डैश डिवाइडेड बाई यू ई. यू ई इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस. एंड थीटा मैक्सिमम, थीटा मैक्सिमम हमेशा होता है बराबर एच. एच इज ऑब्जेक्ट एंड डी इज लीस्ट डिस्टेंस. सो देयरफॉर एम विल बी इक्वल टू एच डैश बाई यू ई इन टू, रिवर्स कर लो इसको, डी बाई एच. डी बाई एच तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं ऐसे, एम इज इक्वल टू, इन एच को अलग से लिखेंगे, सो दैट इज एच डैश डिवाइडेड बाई एच. ठीक. एंड देन वी हैव डी डिवाइडेड बाई यू ई. ठीक है बेटा. अब देखो, सो दीज आर एक्चुअली टू मैग्निफिकेशन, दिस इज एम वन, दिस इज एम टू. अब अगर आप गौर से देखेंगे, ये जो एच डैश बाई एच है ना, ये पहले लेंस की मैग्निफिकेशन है. देखो क्यों, पहले लेंस के लिए इमेज की हाइट है ना एच डैश और ऑब्जेक्ट की हाइट है h, तो इस लेंस के लिए मैग्निफिकेशन है ना साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. सो h डैश बाय h इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू लेंस. ठीक है. और ये जो d बाय ue है, कल भी मैंने जब आपको सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाया, अगर आपको याद होगा, उसमें मैंने जो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला निकाली थी ना जनरल वाली, वो फॉर्मूला आपकी आई थी d बाय u. और वही फॉर्मूला यहाँ पे भी आती है ना. मैंने कहा ना बेटा, ये एक्ट करता है इस ऑब्जेक्ट के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसी साइड बनाता है. तो इसकी मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है डी बाई यू ई. यू ई इसलिए क्योंकि ये आई पीस है. सो दिस इज एम ओ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू लेंस एंड दिस इज एम ई मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस. ठीक है. अब इसके बदले हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एच डैश बाई एच के बदले हम लिख सकते हैं ना बेटा, वी कैन राइट दिस एम इज इक्वल टू, वट इज दिस मैग्निफिकेशन इक्वल टू, ये लेंस, लेंस की मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, फॉर्मूला क्या है इसकी, v बाई यू, हमने डिराइव किया है बार बार. तो अगर इसकी मैग्निफिकेशन है h डैश बाई एच, सो साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पर फॉर्मूला जो है ना हमने डिराइव किया है, लेंस की मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है ना v बाई यू, पर ये ऑब्जेक्ट टू लेंस है तो इसकी मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला आएगी ना v नॉट बाई u नॉट. तो h डैश बाई h के बदले हम लिख सकते हैं ना v नॉट बाई u नॉट. ठीक है. सो वी कैन राइट दिस इज वी नॉट, इसका मतलब है
इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइड बाय यू नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू डी डिवाइडेड बाय यूई। ठीक है बेटा, ये आपकी जनरल फॉर्मूला है, ये आपकी जनरल फॉर्मूला। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस जनरल फॉर्मूला के केसेस, इस जनरल फॉर्मूला के केसेस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन। ये जनरल फॉर्मूला आपकी मैग्निफिकेशन की आ गई। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्यूब अगर आपको निकालना है तो वो मैंने डायग्राम में ही दिखाया है। लेंथ ऑफ ट्यूब किसके बराबर होता है? वी नॉट प्लस यू नॉट। ठीक है, वी नॉट प्लस यू नॉट। इसकी इसके लिए जो है ये इमेज डिस्टेंस है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब जाके अब देखो बेटा, अब दो केसेस जैसे कल मैंने आपको दिखाया, चलो ये सारा मैं रब करता हूँ यहाँ से। अब इस मैग्निफिकेशन के दो केसेस हैं, क्योंकि दो केसेस का मतलब है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होती है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब होती है जब आपकी जो फाइनल इमेज है वो बनेगी नियर पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो एम है, दिस एम, इसके अलग अलग दो केसेस लिखेंगे, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। एम का मैक्सिमम वैल्यू, हाँ ब्रैकेट में यहीं पे लिखूंगा मैं। अब मैक्सिमम तब होगा ना जब जब फाइनल इमेज बनती है एट नियर पॉइंट। बेटा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होता है इसका? जब आपकी फाइनल इमेज बनती है एट फार पॉइंट। फार पॉइंट यही है ना दो केसेस इसके मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है। तो मैग्निफिकेशन डिपेंड है ना बेसिकली कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये कहाँ, ये इमेज जो फाइनल इमेज है कहाँ पे बनी है। अब अगर ये फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी तो ये इमेज सबसे ज्यादा सबसे बड़ी दिखाई देगी। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब होगी जब फाइनल इमेज, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट नियर पॉइंट। और मिनिमम मैग्निफिकेशन अगर ये इमेज इन्फिनिटी पे बन जाती है, मतलब रिलैक्स्ड मूड में, आपकी आंख रिलैक्स्ड मूड में रहेगी तब जाके। पर जब इन्फिनिटी पे बनेगी, इसका साइज सबसे छोटा होगा ना, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन होती है जब फाइनल इमेज एट फार पॉइंट का मतलब है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट फार पॉइंट। जरा इसका इसका निकालेंगे बेटा हम। देखो वी नॉट बाई यू नॉट, वी नॉट बाई यू नॉट तो यही आएगा, वी नॉट बाई यू नॉट के साथ हम नहीं करेंगे कुछ, ये यू ई के साथ, इसके साथ हम देखेंगे। बेटा मुझे बताओ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए हम डी बाई यू ई का वैल्यू निकालेंगे, ये यू ई का वैल्यू निकालना है एक्चुअली। वी नॉट और यू नॉट को अभी रखो, इसका भी मैं वैल्यू निकाल के देता हूँ इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। पहले यू ई के, जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगी, जरा हम इस लेंस के लिए करेंगे लेंस फॉर्मूला यूज, इस लेंस के लिए आई पीस। तो मैं लिखूंगा 1/V - 1/U = 1/F। ठीक है, अगर बेटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब होती है ना जब फाइनल इमेज, मतलब ये इमेज बनेगी इसके नियर पॉइंट पे। इसके नियर पॉइंट पे मतलब है ना जो इसके लिए इमेज डिस्टेंस है, इट शुड बी इक्वल टू डी। डी है ना लीस्ट डिस्टेंस, जब ये नियर पॉइंट पे बनेगी तो इमेज डिस्टेंस होगी ना बराबर 25 सेंटीमीटर। तो वी के बदले मैं लिखूंगा -D - 1/U, यू के बदले मुझे लिखना है -UE, क्योंकि इसी का तो वैल्यू निकालना है मुझे। यू ई इज द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस लेंस। और 1/FE, FE इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। जरा इसको सॉल्व करो बेटा। सो आपको इसका वैल्यू निकालना, वो आप इधर ले आओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 1/UE इक्वल टू 1/FE प्लस यहाँ आके ये बनेगा 1/D। इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा डी प्लस एफ ई डिवाइड बाई एफ ई डी। देयरफॉर आपका जो यू ई का वैल्यू आएगा वो आएगा डी एफ ई डिवाइडेड बाई एफ ई प्लस डी। ठीक है, दिखता है यहाँ से? हाँ ठीक है, ये कल भी किए थे, ये बेटा हमने कल भी किया था। तो अब इसको मैं रब करता हूँ, आप इसको साथ साथ बेटा नोट कर लिया कीजिए जो मैं लिखता हूँ, क्योंकि मुझे ये रब करना है अभी। तो चलो अब इसको रब करता हूँ। आपने देखा UE का वैल्यू क्या आया, UE का वैल्यू क्या आया। तो देयरफॉर जो आपकी ये वाली मैग्निफिकेशन है, ये वाली मैग्निफिकेशन, M मैक्सिमम बताओ, M मैक्सिमम का क्या वैल्यू निकलेगा? हाँ वी नॉट बाई यू नॉट ऐसे ही, वी नॉट बाई यू नॉट ऐसे ही। ठीक है, और डी बाई यू ई, जरा डी बाई यू ई का वैल्यू ये निकला ना, तो हम लिखेंगे डी डिवाइडेड बाई
ue का वैल्यू यहां से निकाला आपने, सो दैट इज dfe डिवाइडेड बाय fe प्लस d। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी m इक्वल, ये रहेगा ऐसे ही g नॉट बाय u नॉट, और ये जो आपकी इक्वेशन है, ये कल भी सॉल्व किया था, इसको ऊपर ले जाइए, फिर ये d और ये d कैंसिल होगा, इसको ऊपर ले जाइए, fe बाय fe होगा 1 प्लस और बचेगा d बाय fe, तो ये आपकी फाइनल, ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका जो बेटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला, यहां लिखता हूं m इक्वल टू v नॉट बाय u नॉट, v नॉट बाय u नॉट इनटू 1 प्लस d डिवाइडेड बाय fe, ये आपकी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला, इसको याद रखिए। ठीक है बेटा, तो जनरल फॉर्मूला यहाँ है नीचे, पर इसी को जब आप मैक्सिमम में कन्वर्ट करते हो ना तो ये रिजल्ट आ जाता है, ये ऐसे ही रहेगा, d बाई यू ई के बदले आ जाता है 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, तो इतनी होगी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अब मिनिमम निकालने के लिए, मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगी, जब ये फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, डायरेक्टली बताओ मुझे, अगर ये फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट जो है, इसका ऑब्जेक्ट ये है ना, वो होना चाहिए ना इसके फोकस पे, क्योंकि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस इमेज इज फॉर्मड एट इनफिनिटी, तो लेंस फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए जो आपकी जो इमेज है फाइनल इमेज, इट शुड बी फॉर्मड एट इनफिनिटी, सो इट डज मीन दैट इसका जो ऑब्जेक्ट है दिस एज डैश, इट शुड बी प्लेस्ड एट द फोकस, तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक जो है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी ना बराबर इसके फोकल लेंथ, the focal length of this lens will be equal to object distance, तभी जाके जब ये focus पे होगा तभी जाके इसकी image infinity पे बनेगी, तो आप directly ue का value लिखोगे ना, ue का value आप directly लिखो fe, क्योंकि जब आप इसको object, इस object को इसके focus पे रखोगे तब जाके ये lens उसकी image infinity पे बनाएगा, तब जाके आपकी magnification minimum होगी, तो minimum case के लिए इस formula में आपको ue के बदले fe लिखना पड़ेगा, तो magnification की formula क्या आएगी, आएगी बेटा लिखो आराम से, मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला जो है वो आएगी आपकी, सो इस केस के लिए m विल बी इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ, ठीक है, इनटू d बाई यू ई के बदले क्या आएगा बेटा fe, ये आपकी मिनिमम मैग्निफिकेशन बेटा, दिस इज योर जनरल मैग्निफिकेशन, दिस इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, दिस इज द मिनिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैंने ue का वैल्यू निकाला, चलो ये मैक्सिमम मिनिमम मैग्निफिकेशन आप याद रखेंगे, ठीक है, 1 प्लस d बाय fe एंड d बाय fe। अब देखो बेटा हम क्या करते हैं, अब लेंथ ऑफ ट्यूब जो है ना, इसकी जो लेंथ ऑफ ट्यूब है ना इस l, इसकी इसका मैग्नीट्यूड भी वैरी होता है, आप इसका भी मुझे निकाल के दो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l क्या होगा और मिनिमम वैल्यू ऑफ l क्या होगा। देखो क्यों, क्योंकि l का वैल्यू भी डिपेंड है ना ue पे, UE का अभी आपने वैल्यू निकाला और UE का आपने देखा नियर पॉइंट पे इसका एक वैल्यू होता है, जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनती है तब जाके इसका एक वैल्यू होता है, जब फाइनल इमेज फार पॉइंट पे बनती है तब जाके इसका एक वैल्यू होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये जो L है ना, L की फॉर्मूला है दैट इज वी ओ प्लस UE, हाँ, पर अब इस UE के दो वैल्यूज हैं। ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा, एक वैल्यू होता है तब एट, मैं ऐसे लिखूंगा when final image is formed at infinity, जब final image infinity पे बनेगी, जब final image infinity पे बनेगी, therefore तब जाके UE का value होता है ना बेटा FE, इस UE का value FE होता है, therefore L का value क्या आएगा उस time पे, VO plus FE। ठीक है, ये है आपका L का value उस time पे। इसी तरह दूसरा केस, when final image is formed at near point का मतलब है ना at least distance d, उस time पे ue का क्या value होता है, ue का value आपने अभी निकाला ना, कुछ अभी निकाला आपने ue का value, I don't exactly remember क्या निकाला था ue का value, जो इसे पहले बताया, अभी जो ue का value निकाला वो क्या था हमारा, तो चलो फिर से निकालते हैं लेंस फॉर्मूला से ना, 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f, 1 by v is 1 by minus d minus 1 by ue equal to 1 by f,
ये यहाँ आएगा। सो हाँ यू ई का वैल्यू है बेटा एफ ई डी डिवाइडेड बाई एफ ई प्लस डी, ठीक है। तो देयर फोर इस केस में एल का क्या वैल्यू आएगा, एल का वैल्यू आएगा वी ओ प्लस और ये यू ई दैट इज एफ ई डी डिवाइडेड बाई एफ ई प्लस डी, ठीक है बेटा। ये आप याद रख लेना कि इस एल की भी डिफरेंट केस में डिफरेंट वैल्यूज आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लेंथ। चलो एक और चीज दिखाता हूँ इसमें आपको, कहीं कहीं पे आप देखेंगे ये जो मैग्निफिकेशन है ना, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दी, आप याद रखो क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है। कभी कभी क्या होता है इस VO और UO का भी वैल्यू निकाला हुआ होता है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, क्योंकि जो असली इक्वेशन है ना मैग्निफिकेशन की, इट शुड बी एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। ये खाली इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेज है ना वी यू दी शुड नॉट बी एक्चुअली इन द इक्वेशन, क्योंकि अगर आपको डायरेक्टली इसकी फोकल लेंथ दी है, इसकी फोकल लेंथ दी है, यू शुड बी एबल टू फाइंड द मैग्निफिकेशन डायरेक्टली। तो मैं क्या करूंगा, इस जनरल इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, मैं इस वी ओ और यू ओ का वैल्यू निकालूंगा। देखो हम क्या करेंगे, व्हाट इज वी ओ यू ओ, वी ओ यू ओ इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फॉर दिस लेंस। तो मैं इसके लिए लेंस फॉर्मूला यूज करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे लिखूंगा 1/v - 1/u = 1/f, पर ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू लेंस के लिए है इसलिए मैं हर एक जगह पे ओ लिखूंगा। मुझे वी ओ बाई यू ओ का वैल्यू निकालना है, वी ओ बाई यू ओ। जरा मैं इसको हर एक साइड से, यहां से भी वी ओ करता हूँ मल्टीप्लाई, यहां से भी वी ओ करता हूँ, लेफ्ट साइड से भी वी ओ मल्टीप्लाई कर लो, राइट साइड से भी वी ओ मल्टीप्लाई कर लो। तो ये बनेगा वी ओ बाई वी ओ माइनस वी ओ बाई यू ओ इक्वल टू वी ओ डिवाइडेड बाई एफ ओ, ठीक है। ये आपका आ गया, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया 1 - vo/uo = vo/fo, यही है ना बेटा। तो वी ओ बाई यू ओ का क्या वैल्यू निकलेगा, इसको इधर ले जाओ। सो वी ओ बाई यू ओ का वैल्यू निकलेगा 1 - vo/fo। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। देखो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया ना कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी फोकल लेंथ बहुत शॉर्ट होती है कंपेयर टू द फोकल लेंथ ऑफ दिस। ये छोटा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ भी शॉर्ट है, इसका अपर्चर भी शॉर्ट है। इसकी जो फोकल लेंथ है ना बेटा, ये एफ ओ, दिस एफ ओ इज वेरी लेस कम्पेयर टू दिस वी ओ। वी ओ जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना वी ओ, इसकी फोकल लेंथ इस वी ओ से बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो हम लिखते हैं ऐसे, ये जो एफ ओ है दिस इज वेरी वेरी लेस दैन दिस वी ओ। एज अ रिजल्ट देखो, अगर डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा, न्यूमरेटर बहुत बड़ा होगा, तो ओवरऑल इस टर्म का आंसर बहुत ज़्यादा निकलेगा ना। अगर इस टर्म का आंसर बहुत ज़्यादा निकलेगा तो हम वन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन एंड यू कैन डू दिस मच अप्रोक्सीमेशन। अगर एफ ओ छोटा बहुत है, वी ओ बड़ा बहुत है, इसका आंसर बड़ा निकलेगा तो वन को आप छोड़ सकते हो। तो इसके बदले आप वी ओ बाई यू ओ के बदले आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो -vo/fo। फिर एक और चीज देखो, हम एक और अप्रोक्सीमेशन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं बेटा ये जो ये वाली इमेज बनाता है ना यहाँ पे, अब फिगर पे तो ऐसा आपको लगेगा नहीं पर प्रैक्टिकली ऐसा ही है। क्या है वो चीज, ये जो इसकी इमेज है ना यहाँ पे, दिस एच डैश, बेसिकली ये एच डैश इस लेंस के बहुत ज्यादा नजदीक बनती है, बहुत ज्यादा करीब बनती है। दिस एच डैश इज एक्चुअली वेरी क्लोजर टू दिस लेंस, सो दैट ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेंथ। इन दो के बीच में अगर लेंथ एल है ना, आप इस वी नॉट के बदले डायरेक्टली एल सब्स्टिट्यूट करते हो, इसका लॉजिक है। अब यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता, यहाँ पे आपको नहीं लगेगा क्योंकि मैंने ये इमेज बीच में बनाई है फॉर द सेक ताकि आपको समझ में आ जाए, पर प्रैक्टिकली ये जो ये वाली इमेज है ये इसकी बहुत नजदीक बनती है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो ये वी और नॉट का वैल्यू है ना, इसके लिए इमेज डिस्टेंस, यू कैन टेक दिस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल, इस लेंस और इस एल लेंस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, सो अप्रोक्सीमेटली दिस वी ओ इज इक्वल टू एल। पर मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑल्सो फर्स्ट इमेज, जो फर्स्ट इमेज बनती है इज फॉर्मड वेरी क्लोज टू इस लेंस आईपीस, ये बहुत नजदीक बनती है आईपीस के। अगर ये आईपीस के बहुत ज्यादा नजदीक बनती है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो वी कैन अप्रोक्सीमेटली राइट देयरफॉर दिस वी नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल। व्हाट इज एल, एल इज द लेंथ ऑफ ट्यूब। देयरफॉर बताओ मुझे वी नॉट
डिवाइड बाई यू नॉट का क्या वैल्यू बनेगा अप्रोक्सीमेटली, माइनस वी नॉट के बदले एल डिवाइड बाई नीचे आएगा एफ ओ, ठीक है बेटा, ये अप्रोक्सीमेशन है बेटा। तो ये जो मैं, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला एंड दिस इज अ करेक्ट फॉर्मूला एक्चुअली, और जो मैं अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, इसके लिए जो मैंने आपको कंडीशंस बताई वो जब सेटिस्फाई होंगी तब जाके ये आंसर करेक्ट है। सो देयरफॉर आपकी जो फाइनल मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला बनेगी, इससे क्या वी ओ बाई यू ओ के बदले क्या आप देंगे आप वैल्यू माइनस एल बाई एफ ओ, ठीक है, इंटू डी डिवाइडेड बाई यू ई, यही है ना बेटा। अब देखो, अब इसके फाइनली दो केसेस, ये आपकी है जनरल फॉर्मूला, दूसरी जनरल फॉर्मूला। अब इसके दो केसेस, एम मैक्सिमम, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, दिस इज माइनस एल बाई एफ ओ, जब मैक्सिमम होती है बेटा डी बाई यू ई का वैल्यू अभी आपने निकाला ना वो होता है ना बराबर इसके बराबर वन वन प्लस डी बाई एफ ई, हाँ जो ऊपर आपने मैक्सिमम निकाला उसी मैक्सिमम इसका मैंने वही वैल्यू सब शूट किया। जरा मिनिमम मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन का माइनस एल डिवाइडेड बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई, ये आपकी फाइनल फॉर्मूलाज। देखो अब इन दो फॉर्मूलाज को देखो आराम से, आप देखेंगे इन दोनों फॉर्मूलाज में कहीं पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है, नहीं है। एल है लेंथ, इन दो ट्यूब्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये दिया होता है। एफ ओ इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एफ ई इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड डी इज लीस्ट डिस्टेंस, इसी तरह इसमें भी यही चीज है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड इन दीज फॉर्मूलाज देर इज नो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इन्वॉल्व, ठीक है बेटा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो बेटा ये इसकी मैग्निफिकेशन की फॉर्मूलाज। चलो अब इस ब्यूटिफुल सी डायग्राम को मैं रब करता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटी सी न्यूमेरिकल इस पर दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि ये जो मैंने फॉर्मूलाज दिए हैं बेटा इस पर जो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे ना वो वही लेंजेज वाले होंगे, वही लेंजेज वाले इक्वेशन यूज करने और बाद में आप ये वाली फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ, प्रॉब्लम्स एक दो दिखाता हूँ आपको, तो ताकि ये जो मैंने आपको सिखाया ये आपको थोड़ा क्लियर हो। देखो मैं डायरेक्टली आपको वैल्यूज देता हूँ, मान लो बेटा ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आपका आईपीस, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दोनों की फोकल लेंथ दी है, इसकी फोकल लेंथ दी है, फॉर एग्जांपल द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 5 सेंटीमीटर और इसकी जो फोकल लेंथ है इसकी ज्यादा होनी चाहिए ना इससे, लेट अस सपोज इट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी 5 सेंटीमीटर इसकी 20 सेंटीमीटर। एंड नाउ द क्वेश्चन इज इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस भी दी है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेट अस सपोज दैट इज 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। अब जो आपका क्वेश्चन है वो है कि आप हमें बताओ फाइंड द मैग्निफिकेशन, कंडीशन है जो फाइनल इमेज है ना, फाइनल इमेज मैं यहां पे लिखूंगा, फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट नियर पॉइंट, फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनती है, हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्निफिकेशन। अगर फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी वी हैव टू फाइंड द मैग्निफिकेशन एट दैट नियर पॉइंट। आपको अगर नियर पॉइंट पे फाइनल इमेज बनेगी तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगी, आपको इस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालना है। देखो आप अगर फॉर्मूलाज देखोगे मैग्निफिकेशन की फॉर्मूलाज जो अभी आपने देखी, एक फॉर्मूला ये है वी ओ बाई यू ओ, हाँ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन किसके बराबर, 1 प्लस डी बाई एफ ई, यही है। आप अभी इसका वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो, एक वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो जो मैंने आपको फॉर्मूला दी, इसके बदले माइनस एल बाई एफ ई माइनस एल डिवाइडेड बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, क्योंकि जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं ना आप, तो एक आंसर ऐसे आएगा माइनस एल लेंथ ऑफ ट्यूब कितना है बेटा 30 डिवाइड फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की कितनी है बेटा 5 1 प्लस डी, डी है 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एफ ई, इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा 20 है।
इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये आपका डायरेक्ट, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला निकाल के दी। अब देखो अगर आपके पास ये फॉर्मूला ना होती तो आप कैसे करते इसको सॉल्व। अब अगर आपको इस फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा तो आप कैसे निकालोगे वैल्यूज, इससे भी इजी है। बी और एफ ही दिया है, वी और यू ओ का वैल्यू निकालना है, ठीक है। मुझे पहले बताओ ये लेंस ले लो आप, ये लेंस, इसके लिए फाइनल इमेज बननी चाहिए ना नियर पॉइंट पे, तो क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकोगे जरा इस लेंस के लिए? ये कौन सा लेंस है बेटा? आई पीस। आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1/VE - 1/UE = 1/FE। देखो क्या करेंगे आप, इमेज कहाँ पे बननी चाहिए? फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट का मतलब है ना 25 सेंटीमीटर पे, तो VE का वैल्यू आएगा 1/-25, क्योंकि उसी साइड बनेगी इसलिए -1/UE। UE का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। UE जब वैल्यू निकालना होता है तब हम माइनस नहीं लिखते, हम ऐसे रखते हैं इसको, ठीक है। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तब आप कन्वेंशन यूज करते हो, जब आपको वैल्यू निकालना है किसी टर्म का उसको ऐसे रखो। 1/FE, इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा? दैट इज 1/20। इसको सॉल्व कर लिया, कर लो सॉल्व, तो UE का वैल्यू आएगा, आएगा ठीक है। तो इसका मतलब इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी आपकी, यहां से यहां तक जो UE है वो निकलेगा। अब अगर यहां से यहां तक आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकली, इसका मतलब इसके लिए आप इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो ना। फिर अगर यहां से यहां UE है, टोटल डिस्टेंस है ना 30, तो यहां से यहां होगा ना बेटा 30 - UE, और ये जो 30 - UE है ये बराबर होगा ना इसके लिए, ये इमेज डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये अगर यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पर ये ऑब्जेक्ट उसके लिए इमेज है। यहाँ से यहाँ तक आपने डिस्टेंस निकाली, यहाँ से यूई निकालो वैल्यू, तो उस यूई का वैल्यू जो है यहाँ दे दो, तो आपको यहाँ से यहाँ इमेज डिस्टेंस, इसके लिए इमेज डिस्टेंस निकलेगी, यहाँ से यहाँ निकलेगी इमेज डिस्टेंस। फिर आप इस लेंस के लिए कर लो यूज लेंस फॉर्मूला, ये आप ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस जब इसके लिए लेंस फॉर्मूला यूज करोगे 1/VO - 1/UO = 1/FO। बेटा एफ ओ तो दिया है उसका, उसकी फोकल लेंथ दी है, और इमेज डिस्टेंस VO का वैल्यू आपने, VO का वैल्यू आपको आएगा ना यहाँ से यहाँ तक जो मैंने अभी दिखाया, UE का वैल्यू यहाँ, तो 30 - UE = UR VO, तो चलो इसका वैल्यू भी आ गया, फिर यहाँ से निकलेगा UO का वैल्यू, ठीक है। तो बेटा ये जो UO का वैल्यू निकला आपका, और ये जो UE है इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसके लिए इमेज डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर यहाँ से यहाँ इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस करोगे तो इसकी इमेज डिस्टेंस निकलेगी, तो आपका UO निकला इस फॉर्मूला से, आपका VO किसके बराबर होगा? 30 - इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये VO आपका, ये UO आपका, तो इसमें VO UO का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो तो आपका आंसर निकलेगा। वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको शॉर्ट सी फॉर्मूला बना के दी है जो जिससे पहले मैंने इसको सॉल्व किया। इन टर्म्स ऑफ लेंथ आप इसको सॉल्व करो तो डायरेक्ट आंसर आएगा। इसी तरह अगर आपका क्वेश्चन होगा फाइनल इमेजेस फॉर्मड एट इन्फिनिटी, फिर निकालो, तो फाइनल इमेजेस फॉर्मड एट इन्फिनिटी, फिर आप फॉर्मूला यूज करोगे ना वही M = -L/FO × D/FE। तो FE FO दिया है, L और D वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मिनिमम मैग्नीफिकेशन का वैल्यू निकालो। अब अगर ऐसे निकालना, पहले इसके लिए लेंस फॉर्मूला यूज करो, निकालो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर इस उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इसकी इमेज डिस्टेंस निकलेगी, फिर उस इमेज डिस्टेंस से इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकलेगी, फिर जनरल फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालो, ठीक है आएगा? यस। तो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इंशाल्लाह कल हम लास्ट चीज इसमें आपको दिखाएंगे, दैट इज ए टेलीस्कोप, ठीक है बेटा। एंड देन दिस रे ऑप्टिक्स इज फिनिश्ड। थैंक यू वेरी मच।